कोरोना महामारी से जूझती दुनिया अब धीरे धीरे लॉकडाउन से बाहर निकल रही है, लेकिन हालात पहले जैसे नहीं रहने वाले। दुनिया भर के देशों से आ रही तस्वीरें बता रही हैं कि अब कोरोना के कहर के बीच बाहर निकलती जिंदगी को कितना सावधान रहने की जरूरत है। अब मास्क पहनने से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही आपको इस महामारी से बचा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कोरोना महामारी के बीच स्कूलों को लेकर एडवाइजरी जारी कर रहा है। WHO के मुताबिक एडवाइजरी में बताया गया है कि स्कूल दोबारा खुलें तो छात्रों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। इसमें बताया गया है कि स्कूल दोबारा खुलने में बच्चों को COVID-19 महामारी से बचाने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। इस बीच चीन के स्कूल का एक वीडियो वायरल हो गया है जो बता रहा है कि स्कूल में किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए। इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में स्कूलों की तस्वीर कुछ ऐसी ही होगी। ये वीडियो चीन के वुहान प्रांत का बताया जा रहा है, जिसे एक स्कूल टीचर की ओर से अपलोड किया गया है। आप खुद देखिए, इस फुटेज में एक बच्चे को स्कूल की मेन बिल्डिंग में कदम रखने से पहले डिसइंफेक्शन के कई स्टेप्स से गुजरते हुए दिखाया गया है। वीडियो में दिखाए गए 5 स्टेप्स वायरस के फैलाव से बचाने वाली साइंटिफिक थ्योरी पर आधारित हैं। वीडियो में दिखाई देता है कि बच्चा जैसे ही स्कूल के गेट पर आता है, एक स्टाफ की ओर से बच्चों के जूतों के तले को डिसइंफेक्ट किया जाता है। इसके बाद बच्चे के फेस मास्क को सावधानी से डिस्पोज करते दिखाया गया है। फिर वो अपने हाथों को टच फ्री डिवाइस से सैनिटाइज करता है। इसके बाद बच्चे के बैग पर यूनिफॉर्म पर गर्म भाप का स्प्रे किया जाता है। आखिर में उसे स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ता है, जिससे ये पता चलाया जा सके कि उसे बुखार या अन्य लक्षण तो नहीं है। और आखिरी चरण में एक रोबोट की मदद ली जाती है। रोबोट अपने कैमरे और सेंसर के साथ बच्चे के मुंह, जीभ, गले और हाथों को स्कैन करता है और रिजल्ट भी तुरंत दे देता है। बीमारी के लक्षण दिखने पर बच्चे को घर वापस भेजा जा सकता है। वहीं जिस भी देश में स्कूल खुल रहे हैं, कक्षाओं में पहले की तुलना में कम छात्र बैठाए जा रहे हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा सके।